हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो इस साल क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। शायद आपको पता हो कि बोर्ड ने यानी सीबीएसई बोर्ड ने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अभी तक जिस पैटर्न से सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम लेता था, अब उस पैटर्न को उसने बदल दिया है। तो चलिए जानते हैं कि बोर्ड का ये नया जो पैटर्न है वो क्या है, वो आपके लिए यानी कि स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से मददगार होगा, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये आपके रिजल्ट पर क्या प्रभाव डालेगा। इन सभी पर आज हम चर्चा करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एकेडमिक सेशन है, एकेडमिक सेशन डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन द ईच टर्म। मतलब पूरे जो एकेडमिक ईयर है उसको टू टर्म में डिवाइड कर दिया गया है विथ 50% सिलेबस, यानी कि फर्स्ट टर्म में हाफ सिलेबस आएगा और सेकंड टर्म में हाफ सिलेबस आएगा। इस तरह से उस पूरे एकेडमिक सेशन को डिवाइड कर दिया है। दूसरा है कि बोर्ड विल बी कंडक्ट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच टर्म बेसिस ऑफ द जो उन्होंने सिलेबस डिवाइड किया है उसी हिसाब से वो हर टर्म के बाद बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, चाहे वो स्कूल में करवाए या स्कूल से बाहर करवाए, लेकिन दो एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करवाएगा जिस तरह से उन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया है उसी आधार पर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं टर्म वन एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे देखिए लिखा फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू कंडक्ट बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर और दिसंबर में पहला जो टर्म वन है वो लिया जाएगा, यानी कि इसमें और साथ में साथ ही आपको क्या कराया कि 4 से 8 वीक का टाइम भी दिया है कि इस 4 to 1 वीक में आपको अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होगा। ठीक है, और वो जो एग्ज़ाम है यानी टर्म वन एग्ज़ाम जो है वो नवंबर और दिसंबर महीने के में लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो पेपर भी बनेगा। तो पेपर किस तरह का बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड असर्शन एंड द रीजनिंग टाइप। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो इन 3 जो पैटर्न हैं, ये 3 जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आधारित रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लंबे क्वेश्चन जिसकी अपने को आदत है, लंबे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन करने की आदत है, हम सोचते हैं कि वो ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो इसलिए बड़े क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। बड़े क्वेश्चन तो आने ही नहीं है, यहाँ पे ओनली ट्रिकी क्वेश्चन आना है जिसके लिए आपको बुक के एक एक पेज को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। बड़े क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट। जो पेपर का ड्यूरेशन होगा, मतलब कितनी देर का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा। उस 90 मिनट के अंदर ही आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इट विल कवर ओनली रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म वन ओनली, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50%। जो पहले से 50% डिसाइड कर दिया गया कि ये 50% जो सिलेबस है वही टर्म वन में पूछा जाएगा, उसी आधार पर पेपर बनेगा, उसी आधार पर आपको अपना एग्जाम देना है, यानी कि उसमें टर्म टू की कोई भी चीज़ नहीं आएगी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। और ये जो पेपर है वो स्कूल में नहीं बनेगा, मतलब स्कूल के टीचर इसे नहीं बनाएंगे, आपके स्कूल के टीचर ये पेपर नहीं बनाएंगे, ये पेपर बोर्ड द्वारा भेजा जाएगा स्कूल को, और उसी पेपर को से ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होगा, स्कूल को उसी पेपर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होगा। ठीक है, द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट। ये जो एग्ज़ाम है यानी कि टर्म वन जो एग्ज़ाम है वो एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट के सुपरविजन में होगा, और साथ ही एक ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। ऐसा नहीं है कि टर्म वन, अभी हम टर्म वन का एग्ज़ाम जो देते हैं उसमें हमारे स्कूल के सभी लोग होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसमें बाहर से एक्सटर्नल जिसको हम सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट बाहर से आएगा, और साथ ही एक ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए। ठीक है, मार्क्स ऑफ द टर्म वन एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूट द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। और इसके जो मार्क्स हैं यानी टर्म वन के जो मार्क्स मिलेंगे वो फाइनल एग्जाम में जाके उसको प्लस किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना जोड़ा जाएगा, उसका क्या परसेंटेज रहेगा वो अभी बोर्ड ने नहीं बताया है, ये कुछ दिन बाद वो हमको बताएंगे, तब हम आपको आगे जानकारी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द रिस्पॉन्सेस यानी जो बच्चे पेपर देंगे वो पेपर कॉपियों में नहीं बल्कि ओएमआर शीट पर देंगे, और वो ओएमआर शीट जो है वो स्कूल को अपलोड करना पड़ेगा, किस पे, सीबीएसई की वेबसाइट पे, या फिर वो खुद चेक करके उसके मार्क्स को अपलोड कर सकता है। और ये काम डेली होगा, डेली मतलब जिस दिन पेपर होगा उसी दिन ये पूरा काम कंप्लीट करके बोर्ड को ये मार्क्स अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं टर्म टू किस प्रकार से होगा। ये है टर्म टू एग्जामिनेशन, ईयर जिसको हम ईयर एंड एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड बाय द बोर्ड। ये जो एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल में होगा और ये एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा जो सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल को, वहीं पर जाके स्टूडेंट को अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम स्कूल में नहीं होगा, ये कहाँ होगा, बोर्ड द्वारा जो सेंटर दिया जाएगा उसी पे उसी वहीं जाके सभी बच्चों को अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब एग्ज़ाम देना है तो पेपर भी है। पेपर किस तरह के बनेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। यानी ओनली आपके पास छोटे क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ओनली बड़े भी नहीं होंगे, सब टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा ताकि ओवरऑल दिमाग उनका देख सके कि बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट करता है इन चीज़ों पर, इसलिए सभी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर्स। और जो पेपर होगा वो कितनी देर का होगा, 2 आवर्स का। पिछला जो पेपर था वो 90 मिनट का था यानी 1.5 घंटे का था, ये जो पेपर है वो 2 आवर्स का होगा। ठीक है, इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ द टर्म टू ओनली, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। और इसमें जो सिलेबस है वो 50% सिलेबस रहेगा, लेकिन कौन सा रहेगा, जो टर्म वन में नहीं हुआ है वो इसमें होगा। यानी टर्म वन का कोई भी पोर्शन इसमें नहीं पूछा जाएगा, ओनली टर्म टू का ही पोर्शन पूछा जाने वाला है। ठीक है, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव और नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, यानी कि मान लीजिए जब ये पेपर होने वाले हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में जब ये पेपर होने वाले, उस समय कंडीशन अच्छी नहीं हुई पेंडेमिक की वजह से, तो ये पेपर जिस तरह से होना चाहिए था अब वो उस तरह से नहीं होगा, बल्कि ये पेपर भी टर्म वन के टाइप होगा, यानी कि 90 मिनट का पेपर होगा और MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, यानी कि मार्च अप्रैल में जो टर्म टू एग्ज़ाम होने वाला था, अगर वो किसी वजह से नहीं हो पाया, तो यानी कि स्कूल में बच्चे नहीं जा पाए या सेंटर पे बच्चे नहीं जा पाए, तो ये पेपर भी टर्म वन की टाइप होगा जो कि 90 मिनट का होगा और MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, मार्क्स ऑफ टर्म सेकंड एग्जामिनेशन वुड बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, और इसके मार्क्स भी फाइनल जो स्कोर होगा, फाइनल जो मार्किंग होगी उसमें इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्म टू एग्ज़ाम। अब बात करते हैं हम डिटेल्स ऑफ कैरिकुलम ट्रांजेक्शन, किस प्रकार से ट्रांजेक्शन होगा ये हम बताते हैं आपको। इसमें ये बोला जा रहा है कि स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड। इसमें जो स्कूल है वो जिस तरह से अभी पढ़ाई करवा रहा है उसी तरह से पढ़ाई करवाते रहेंगे जब तक कि अथॉरिटीज़ ये नहीं बोल दे कि अब आप बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं, तब तक आप इसी मोड पर यानी कि ऑनलाइन मोड पर ही आप अपना टीचिंग जो प्रोग्राम है, टीचिंग जो अभी तक चल रही है उसी तरह से उसको कंटिन्यू चलते रहने देना है। ठीक है, इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि इंटरनल असेसमेंट जो है, इंटरनल असेसमेंट पे बच्चों को बहुत ध्यान देना है थ्रू आउट द ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म वन एंड टर्म सेकंड। टर्म वन और टर्म सेकंड यानी दोनों पूरे साल भर जो इंटरनल असेसमेंट है वो बच्चों का होता रहेगा। वुड इंक्लूड द, और इसके साथ ही क्या क्या इंक्लूड होगा, 3 पीरियडिक टेस्ट। यानी जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर 3 पीरियडिक टेस्ट होंगे, ये PT1, PT2, PT3। इसके बाद स्टूडेंट इनरिचमेंट, जो बच्चे फाइल वाइल जो बनाते हैं वो रहेगा, और साथ में पोर्टफोलियो भी रहेगा बच्चों का पोर्टफोलियो। फिर प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ एंड द प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी इस डिटेल इस कैरिकुलम के अंदर। यानी जो इंटरनल असेसमेंट है उस इंटरनल असेसमेंट में इतनी चीज़ें होंगी, 3 पीरियडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट का इनरिचमेंट होगा, पोर्टफोलियो होगा, प्रैक्टिकल वर्क होगा, स्पीकिंग और लिसनिंग एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारे मिला के इंटरनल असेसमेंट बनेगा बच्चे का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर द डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में हम किस प्रकार से बच्चों का असेसमेंट करेंगे, किस प्रकार से एग्जामिनेशन लेंगे, ये अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले केस वन की बात करते हैं। केस वन वो है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्ज़ाम। मान लीजिए कंडीशन अच्छी हुई और बच्चे स्कूल में आकर या सेंटर पर आकर एग्ज़ाम दे पाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म वन एंड टर्म टू एग्जामिनेशन एट द स्कूल और सेंटर। तो बोर्ड जो है वो टर्म वन एग्ज़ाम भी करवाएगा और टर्म टू एग्ज़ाम भी करवाएगा, वो स्कूल में भी, एक एग्ज़ाम स्कूल में होगा और एक एग्ज़ाम जो है वो सेंटर पर होगा।
ठीक है, द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू एग्जाम्स, और जो थ्योरी मार्क्स है वो दोनों एग्जाम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मतलब 50% इसमें और 50% उसमें। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, मान लीजिए नवंबर दिसंबर में जब आपका फर्स्ट टर्म होने वाला था या फर्स्ट टर्म होने वाला है, उस समय पेंडेमिक की वजह से स्कूल ओपन नहीं हो पाए, बच्चे स्कूल तक जाकर या सेंटर तक जाकर एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में टर्म वन एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम द होम, यानी उस कंडीशन में बच्चा जो टर्म वन का एमसीक्यूज एग्जामिनेशन है वो घर से ही या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन देगा या दे सकता है। ठीक है, सेकंड, द वेटेज ऑफ द टर्म वन मार्क्स फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस एंड वेटेज ऑफ द टर्म टू एग्जाम विल बी इंक्रीज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। ये बहुत ध्यान की बात है, अगर मान लीजिए आपका पहला यानी टर्म वन एग्जाम नहीं हुआ तो उस कंडीशन में टर्म वन एग्जाम जो कि आप घर से दे रहे हैं ऑनलाइन दे रहे हैं उसका जो वेटेज है वो कम कर दिया जाएगा और जो दूसरा वाला है उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। सपोज करिए कि अभी आपके 50-50% का पेपर हो रहा है, यानी कि 50 मार्क्स मान लेते हैं फिलहाल, अभी 50 मार्क्स का आपका टर्म वन हो रहा है और 50 मार्क्स के टर्म टू हो रहा है, लेकिन अगर टर्म वन एग्ज़ाम के टाइम पेंडेमिक की कंडीशन ऐसी रही कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए या स्कूल में नहीं हो पाया, वो एग्ज़ाम घर से ही देना पड़ा ऑनलाइन देना पड़ा, तो इसका जो वेटेज है वो अब 50 नहीं रह के इसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। हो सकता है इसका वेटेज 30 कर दे, अगर ये 30 कर दिया तो इसको 70 कर देंगे। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन रहेगी केस सेकंड में। अब चलते हम केस थ्री के ऊपर, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर तो स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, अभी हमने नवंबर दिसंबर की बात करी थी, अब अगर मार्च अप्रैल में ये कंडीशन रहती, यानी कि पहला पेपर तो हो जाता है यानी कि टर्म वन तो हो जाता है, लेकिन टर्म टू में क्या होता है कि उस समय पेंडेमिक की वजह से मार्च अप्रैल वाला जो पेपर है यानी टर्म टू वाला जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑन टर्म वन एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। यहाँ पे दो चीज़ें बताइए, फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो टर्म वन में जो बच्चे ने जितना जैसा भी परफॉर्मेंस किया था वो और साथ में इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसकी मार्किंग की जाएगी। साथ में लिखा है वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन कंडक्टिव बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज्ड प्रोवाइडेड ईयर एंड एग्जाम कैंडिडेट्स। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि फिर से मैं बताता हूँ कि जैसे 50-50 का पेपर हुआ, 50-50 के पेपर होने में क्या हुआ कि जो सेकंड वाला पेपर था यानी कि टर्म टू का जो पेपर था वो नहीं हो पाया, टर्म टू एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो अब इसके जो वो वेटेज है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उसकी जगह पे इसके बढ़ा दिए जाएंगे, अगर मान लीजिए 30 का करा तो इसको अब 70 का कर देंगे। क्लियर, मतलब यहाँ लिखा है कि बिल भी इंक्रीज, किसके इंक्रीज किए जाएंगे? टर्म वन के इंक्रीज किए जाएंगे, मतलब टर्म टू से डिक्रीज किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये वाला एग्ज़ाम, ये केस हैंडल किया जाएगा। मान लीजिए नेक्स्ट जो केस है केस फोर, उसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, ना तो फर्स्ट वाला एग्ज़ाम हो पा रहा है यानी टर्म वन एग्ज़ाम हो पा रहा है और ना ही टर्म टू वाला एग्ज़ाम हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन मान लो आ गई, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में रिजल्ट कैसे बनेगा? रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एंड द प्रोजेक्ट, इन तीन चीज़ों पर होगा, एक तो इंटरनल असेसमेंट, दूसरा होगा प्रैक्टिकल और तीसरा होगा प्रोजेक्ट वर्क, इन तीनों के आधार पर इन बच्चों का जो मार्किंग है वो की जाएगी। ठीक है, अब थ्योरी मार्क्स ऑफ द टर्म वन एंड टर्म टू एग्जाम टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द होम इन 10th and 12th क्लास सब्जेक्ट टू बी मॉडरेशन और अदर मेजर टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। अब इसमें होगा क्या कि जो बच्चों ने दोनों ही पेपर घर से दिए हैं, यानी कि ऑनलाइन पेपर दिए और घर से बैठ के दिए, 10th का भी बात कर रहा हूँ मैं, 12th की बात कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में सभी बच्चों के जो मार्क्स, सभी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो मॉडरेट किए जाएंगे, इस प्रकार से मॉडरेट किए जाएंगे कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना जाए और बच्चों को सही तरीके से एनालिसिस करके उसको मॉडरेट करके मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से इस साल एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इसमें प्लस पॉइंट है और एक
माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट वाला एग्जाम है यानी टर्म वन वाला एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है, और एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम में गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब नंबर मिलने के चांस कम होते हैं, या तो पूरे मिलेंगे या पूरे जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है, 5 मेंबर का क्वेश्चन है, उसमें से आपने कुछ थोड़ा बहुत लिख दिया तो कुछ ना कुछ उससे मार्क्स मिल ही जाते थे, लेकिन एमसीक्यूज में ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यूज में या तो पूरे मिलते हैं या पूरे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें गहराई से पढ़ना पड़ेगा तभी जाके वो इसके एग्ज़ाम इसके पेपर को हल कर पाएंगे। प्लस पॉइंट ये है कि अब पूरा जो कोर्स है या पूरा जो सिलेबस है उसका बर्डन आपके पास एक साथ नहीं रहेगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कुछ ही पार्ट पढ़ना है, यानी कि मान लीजिए 12 चैप्टर है पूरी बुक में, तो आपको 6 चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है, 6 चैप्टर सेकंड में पढ़ना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके परसेंटेज इसमें ज़्यादा अच्छे से बन सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन कुछ और हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।